काम काम वासना यानी सेक्स। युवाओं के साथ साथ हर उम्र के लोगों में ये इच्छा इतनी प्रबल क्यों? मनुष्य को छोड़कर सभी जीव ऋतु विशेष में ही संबंध बनाते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर हमेशा ये इच्छा क्यों रहती है? इसके कई कारण हैं। खान पान, आपने देखा होगा कि आजकल बढ़ती आबादी के कारण हमारे जो भोजन आते हैं खेत में काफ़ी मात्रा में यूरिया और DAP पोटास का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण शरीर में उत्तेजना बढ़ता है। मोबाइल में आप ऐसे ऐसे रील देखते हैं अर्ध नंग धरंग, जिसको देखकर आपके मन में कामुकता जागता है। जो आसपास का वातावरण है, हमारे जो वातावरण इतने दूषित हो गए, लड़के और लड़कियां कहीं जा रहे होते हैं, जाते आते ऐसे हरकत करते हैं, तो उसको देखकर युवाओं के अंदर आकर्षण बढ़ता है। काम का अर्थ है कामना यानी इच्छा, और दूसरे अर्थ में यौन यानी सेक्स। भारतीय ऋषियों ने मनुष्य के लिए जीवन में चार पुरुषार्थ करने का निर्देश दिया था। ये चार पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह काम इन चार पुरुषार्थों में एक पुरुषार्थ है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ना तो काम की उपेक्षा करनी चाहिए, ना ही इसका गलत ढंग से उपयोग करना चाहिए। लेकिन होता यह है कि बच्चों को काम के विषय में सही सही जानकारी नहीं होती, इसलिए जैसे ही युवावस्था शुरू होती है वैसे ही अधिकांश बच्चे बुरी संगत में पड़कर काम से संबंधित गलत और गंदी क्रियाएं करने लगते हैं। विवाह होने से पहले आप काम वासना से संबंधित विचार करने और कामुक क्रिया करने से बिल्कुल बचकर रहें। ऐसा बचाव करने में आप तभी सफल हो सकेंगे जब कामुक विचारों को मन में आने नहीं देंगे। ऐसे दोस्तों से दूर रहेंगे जो आपसे ऐसी बातें करते हो या गंदी आदतें सिखाते हो। 100 बात की एक बात तो यह है कि आप ऐसे कोई भी काम नहीं करेंगे जिसे छिपाकर करना पड़े, जिसके विषय में आप अपने माता पिता और भाई बहन से बातचीत ना कर सकें। एक बात सदा याद रखें कि जिस काम को करने से भय लगे, ऐसी शंका मन में उठे कि करें या ना करें और लज्जा का अनुभव होता हो, वह काम हमेशा शुभ नहीं होता, अशुभ होता है, उत्तम कर्म नहीं होता है, पाप कर्म होता है। बस आपको ऐसा कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। ऐसा सुदृढ़ संकल्प कर लें, ऐसा करके ही आप जीवन में स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न रह सकेंगे, वरना आगे चलकर परिणाम खतरनाक होंगे। पाप पुण्य शुभ अशुभ की बड़ी लंबी और गहरी परिभाषा की गई है, पर सरल परिभाषा यह है कि जिस काम को करने में भय, शंका और लज्जा का अनुभव हो उसे अशुभ समझो और मत करो। जिस काम को करने में आनंद, उत्साह और प्रीति का अनुभव हो उस काम को शुभ समझो, ऐसे ही काम को करो। इस प्रकार अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनकर स्वयं निर्णय कर लेना चाहिए। अंतर आत्मा की आवाज़ अशुभ नहीं होती। काम बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है और उपयोगी है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि संसार में जो भी सृजन कार्य हो रहा है वह काम की ऊर्जा से ही हो रहा है। पर काम का उपयोग सृजन के लिए ना करके सिर्फ मौज मस्ती के लिए किया जाना विनाशकारी सिद्ध होता है। ऐसे व्यक्ति जो काम के वेग को रोकते नहीं और कामुक विचार करते रहते हैं, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे लोग काम वासना के प्रभाव से अंधे के समान हो जाते हैं। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता और कौवे को रात में दिखाई नहीं देता, परंतु जो कामांध होते हैं उसे कामांधो दिवा नक्तम ना पश्यति के अनुसार न दिन में दिखता है न रात में दिखता है। तो आप अपने मन को संयम में रखें, दृष्टा भाव से ये देखें कि हमारे मन में जो विचार उठ रहे हैं वो सही है या गलत है, तो आप इन आकर्षण से बच सकते हैं।